Hello student, I am Roopesh Kanwar Gaur, lecturer in Mechanical Engineering Department in Government RC Khetan Polytechnic College, Jaipur. आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस जो कि है आज हमारा PART-1. तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है. जब कोई भी बॉडी एक्सेल टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड होती है या किसी बॉडी पर एक्सेल टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड लगता है तो इस तरह के लोड से जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं वो कहलाते हैं हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस. डायरेक्ट स्ट्रेस होता है हमारा लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. सिमिलरली इसी तरीके से बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे बेंडिंग स्ट्रेस. इसका फॉर्मूला, इसका ये रिलेशनशिप हमने पहले निकाली हुई है, दैट इज़ m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन y. m है हमारा बेंडिंग मूवमेंट, सिग्मा बी हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, i है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y है हमारी आउटर मोस्ट फाइबर की डिस्टेंस. अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब हमारे कॉलमेट्रिक लोडिंग हो रही होती है. तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले इस वाले डायग्राम को. इसके अंदर क्या है कि आपके जो एक्सिस है, कॉलम का जो एक्सिस है उससे ई डिस्टेंस पे एक लोड लग रहा है पी. जो ई है वो कहलाता है हमारा एसेंट्रिसिटी, ठीक है, जो कि जिस पे हमारा लोड लग रहा है पी, ठीक है. अब इस पी लोड के कारण जो कि ई एसेंट्रिसिटी पे है, इससे हमारे डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस हमारे जनरेट होते हैं. अब ये डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस कैसे जनरेट होंगे ये हम इन तीन डायग्राम से, जो अगले हमारे तीन डायग्राम इसके सामने दिख रहे हैं उससे हम देखेंगे. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन तीनों डायग्राम को हम अपना एक नाम दे देते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी. लेट्स सी, हमने फर्स्ट वाले को दे दिया है ए, सेकंड वाले को दे दिया है बी और लास्ट वाले को दे दिया है सी. अब हमने क्या किया है कि जो बीम का जो एक्सिस है उसके अंदर हमने दो लोड लगाए हैं जो कि इक्वल है बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है. और एक जो लोड पी हमारा ऑलरेडी जो ई एसेंट्रिसिटी पे लग रहा था वो ऑलरेडी वहाँ पे है. अब इस ये जो हमारे तीन लोड हैं इसको हमने क्या किया, आगे जो बी एंड सी है इसमें दो पार्ट के अंदर हमने डिवाइड कर लिए हैं. जो एक पी लोड एक्सिस पे लग रहा था, ठीक है, उसे हम एक साइड रखेंगे और जो नेक्स्ट है सी पे उसके अंदर हमने जो एसेंट्रिसिटी वाला पी था, पी लोड जो लग रहा था उसे प्लस जो एक्सिस पे हमने जो लोड लिया था उसे करा. जो फिगर नंबर बी के अंदर है इससे जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होंगे पी वो हमारा होगा डायरेक्ट स्ट्रेस जो कि होगा हमारा पी अपॉन ए, ठीक है. डायग्राम सी के अंदर क्या है कि जो हमारा पी दोनों जो पी हैं इसके कारण एक कपल जनरेट हो रहा है और ये कपल होता है हमारा क्या कहलाएगा, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है. अब क्योंकि क्या, अब इस एसेंट्रिसिटी के कारण हमारा जो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस लग रहे हैं वो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस लग रहे हैं हमारे एक्सेल डायरेक्शन के अंदर. तो हम क्या करेंगे कि ये जो बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आएगा हमारा सम ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस का. अब देखते हैं कि हमारी इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस की. इससे पहले हम थोड़ा सा इसका नॉमनक्लेचर देख लेते हैं. वो नॉमनक्लेचर है हमारा पी क्या है, हमारा एसेंट्रिक लोड है जो कि कॉलम पे लग रहा है. ई है हमारा एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड, ठीक है. सिग्मा ज़ीरो है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस, सिग्मा बी है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, बी है हमारा विड्थ ऑफ द कॉलम एंड डी इज़ अ डेप्थ ऑफ द कॉलम. अब एरिया क्या हो जाएगा इस कॉलम का, एरिया हो जाएगा बी इंटू डी.
देन मूमेंट हमारा होगा वो होगा हमारा ड्यू टू लोड क्या होगा पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा पी इंटू ई देन डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा आपको पता ही है हमारा क्या होता है दैट इज पी अपॉन ए अब जो हमारा स्ट्रेस होता है डायरेक्ट स्ट्रेस होता है वो क्या होगा हमारा क्रॉस सेक्शन के अलोंग बिल्कुल यूनिफॉर्म स्ट्रेस हमारा होगा नाउ अब हम देखते हैं इसमें हम निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस जैसे हमने पहले इक्वेशन था हमारा एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई ठीक है तो सिग्मा बी हो जाएगा हमारा एम अपॉन आई इंटू वाई एम है हमारा बेंडिंग मूवमेंट दैट इज पी इंटू ई आई है हमारा डी बी की पावर क्यूब अपॉन 12 ठीक है जेड वाई एक्सेस है उसके अबाउट जो हमारा वाई वाई एक्सेस है उसके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा हो जाएगा डी बी क्यूब बाय 12 ठीक है अब एम का वैल्यू और आई का वैल्यू हमने पुट कर दिया है इक्वेशन के अंदर और जो वाई है वो हमारा होगा जो मोमेंट का वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि वाई की डिस्टेंस क्या है वाई वाई एक्सेस से ठीक है तो जो वाई वाई एक्सेस है दैट इज़ वो हम लेते हैं बी बाय टू इक्वल टू बी बाय टू अब ये सारी वैल्यू है एम इज इक्वल टू पी इंटू ई एंड आई इज इक्वल टू डी बी क्यूब अपॉन 12 एंड y इज इक्वल टू बी बाय टू ये सारी वैल्यू जब हमने पुट कर दी तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो आई है 6 पी ई इंटू एरिया इंटू विड्थ ठीक है यह आ गया हमारे पास में हमारा बेंडिंग स्ट्रेस अब हमें पता है कि हमारा अगर हम किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो जो कंबाइंड स्ट्रेस होगा वो कंबाइंड स्ट्रेस का जो रिजल्टेंट है वो होना चाहिए हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस ठीक है अब इसके अंदर दो कंडीशन है अगर रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर हमने रिजल्टेंट स्ट्रेस डिटरमाइन किया है ठीक है सेम साइड पे एक्सिस वाई वाई के तो जो लोड कंसिडर होगा ठीक है द वैल्यू ऑफ वाई एज अ पॉजिटिव एंड अ बेंडिंग स्ट्रेस विल बी सेम एज डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब जो वाई का वैल्यू है वो हम पॉजिटिव लेंगे ठीक है और उसके अंदर जो हमारा बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस होगा उनकी वैल्यू सेम होगी मतलब सेम आपके अगर आप सेम नेचर की होंगी ठीक है अगर वाई वाई एक्सिस के अपोजिट साइड्स के अंदर होता है तो वाई जो हो जाएगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा ठीक है और जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो अपोजिट टाइप होगा डायरेक्ट स्ट्रेस के ठीक है तो हम इजीली अब ये कह सकते हैं कि जो बीसी लेयर होगी उस पे जो हमारा स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा और जो एडी लेयर होगी ठीक है जो एडी लेयर होगी उस पे जो हमारा स्ट्रेस होगा वो मिनिमम स्ट्रेस होगा ठीक है अब जैसे हम निकाल लेते हैं जैसे ए जो हमारा बी और सी है उस पर हम स्ट्रेस निकालते हैं हमारा वो हो जाएगा हमारा क्योंकि सेम नेचर का है ठीक है और प्लस साइड में है तो हो जाएगा सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस सिग्मा बी दैट इज़ बेंडिंग स्ट्रेस ठीक है इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे दैट इज़ ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ जाएगा इसी तरह से सिग्मा मिनिमम हो जाएगा हमारे पास में जो हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस ठीक है इसी तरह से इसका भी वैल्यू आ जाएगा ठीक है तो हम अब अगर हमारी ऊपर की जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको एनालिसिस करें तो सिग्मा मिनिमम अगर ज़ीरो है दैट्स मीन कि कोई भी स्ट्रेस अलोंग द एडी नहीं है ठीक है देन इफ़ सिग्मा की जो वैल्यू सिग्मा मिनिमम की जो वैल्यू अगर वो नेगेटिव आती है दैट मींस इंडिकेट्स दैट देयर विल बी अ टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग ए डी के अलोंग टेंसाइल स्ट्रेस होंगे ठीक है इफ़ सिग्मा स्ट्रेस इज मिनिमम इज पॉजिटिव ठीक है इट इंडिकेट दैट देयर विल बी अ कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोंग द लेयर ए डी ठीक है इस तरह से हम निकाल लेंगे हमारे कॉलम पे जब हमारी एसेंट्रिसिटी वाई वाई एक्सिस के
वाई वाई एक्सिस से ई डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, अब इसी तरह से हम जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसके अंदर हम देखेंगे रिजल्टेंट डिस्टेंस जो कि एसेंट्रिक हो एक्स एक्स से भी और वाई वाई एक्सिस से भी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।